नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आज का ये वीडियो बहुत उपयोगी है उन लोगों के लिए जो अब तक ये सोचते थे कि बिजनेस उनके बस की बात नहीं है, चाहे वो पैसे की वजह हो चाहे वो कोई दूसरी वजह हो। लेकिन लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते हम सब जानते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है उन व्यवसायियों को जिनकी रोजी रोटी रोजमर्रा का काम करके निकलती थी, जिनके घर में खाना तब पकता था जब वो दिहाड़ी की मजदूरी करते थे। लेकिन अब वो इस काम से भी हाथ धो बैठे हैं या फिर कोई काम ही नहीं है उनके पास। तो आज ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस लॉकडाउन के दौरान या फिर कोरोना काल के दौरान मद्देनजर रखते हुए चलाई गई हैं। ध्यान से देखिए। केंद्र सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा लेकर आई है। इसे पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि नाम दिया गया है। इसके तहत फेरी या ठेला लगाकर सामान बेचने वाले लोग लोन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इन्हें पथ विक्रेता का नाम दिया है। इस योजना के तहत उन्हीं वेंडर यानी फेरे वालों को लोन की सुविधा मिलेगी जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से ये काम कर रहे थे। अभी तक इसके लिए 5.6 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से 1.2 लाख से ज्यादा लोगों को लोन मिल चुका है और बाकी के लिए प्रोसेसेस जारी हैं। तो अब लोन आपको भी मिल सकता है, क्योंकि अब सरकार ने ये ठान ली है कि आत्मनिर्भर कैसे बनवाना है देश को। तो आपको ये बताते हैं कि आप ये लोन ले कैसे सकते हैं। देखिए, इस योजना के तहत आपको 10,000 रुपए का लोन मिलेगा। साथ ही अगर आप इस लोन को समय से पहले वापस करने पर सरकार की तरफ से आपको 7% की दर से ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की राशि 3 महीने में एक बार आपके खाते में जमा की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल लेन देन पर आपको मासिक यानी महीने में कैशबैक भी मिलेगा। ये रकम सीधे आपके खाते में जमा होगी। डिजिटल लेन देन के लिए आपको एक डेबिट कार्ड और आपको वेंडिंग स्टॉल के लिए एक QR कोड भी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप ग्राहकों से पैसा ले सकेंगे। यही नहीं, अगर आप लोन का पैसा समय पर चुका देते हैं तो आपको इसके बाद और ज्यादा लोन की रकम मिल सकती है। सवाल ये उठना लाजमी है कि ये लोन मिलेगा कहां से। आपको बता दें कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्र ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं और SHG बैंक से आप लोन ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने इलाके के किसी भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या सूक्ष्म वित्त संस्था के एजेंट को संपर्क कर सकते हैं, या आपको आवेदन करने और मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में मदद करेगा। जान लें कि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही किया जाएगा। इसका फॉर्म कहां से मिलेगा, कैसे भरना है और बाकी डिटेल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो जानकारी अभी पूरी नहीं हुई, जाते जाते आपको ये भी बताते हैं कि ये स्कीम शुरू कैसे हुई और इसका लक्ष्य क्या है। COVID-19 के कारण रेहड़ी वालों को रोजी रोटी पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना यानी पीएम स्वनिधि की शुरुआत की है। इस योजना के उद्देश्य लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद फेरी वालों को अपने रोजगार को दोबारा शुरू करने का मौका देना है। इसके तहत सरकार किफायती दर पर काम के लिए लोन देती है। इसके तहत गली गली घूमकर, फुटपाथ या रास्ते पर ठेला लगाकर सब्जी, फल, तैयार खाने की चीजें, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़े, दस्तकारी उत्पाद, किताबें, कॉपियां आदि बेचने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा नाई की दुकान, मोची पान की दुकान, लॉन्ड्री की सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। आवेदन फॉर्म के लिए यहां क्लिक करें। हिंदी में योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। आसानी से आवेदन करने के तरीके के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसे कई तमाम वीडियोस हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। आप अपने जानकारों को भी इस वीडियो को दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि सरकार ने इस दौरान कितने सारे ऐसे स्कीम्स चलाए हैं, ऐसे योजनाएं चलाई हैं जो आपके लिए कई तरह से लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, उसका उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखिए, अपना कोई भी डाउट लिखिए, हम उसका वीडियो जरूर अपलोड करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।